फैमिली खान, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। तो आज की वीडियो है वो है जी कि आप अपने फेस को किस तरह से ग्लोइंग बना सकते हैं विथ फेस मसाज। किसी और इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत नहीं होगी, लाइक कोई केमिकल वगैरह की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ हमने कुछ पॉइंट्स पे मसाज करने हैं ऑयल की मदद से। नॉर्मली जो भी आपके घर में ऑयल अवेलेबल हो उससे हम फेस के मसाज करेंगे, ताकि जो मेन पॉइंट्स हैं वो थोड़े से खुलें और थोड़े से टाइट भी हों, और जो डार्क सर्कल्स हैं हमारे फेस पे और जो थोड़े से लूज स्किन हुई होती है, लाइक अभी थोड़ी थोड़ी डबल चिन वगैरह हो जाती है, या फिर आईब्रोज के इर्द गिर्द या लिप्स के अराउंड, चीक्स वगैरह जॉ लाइन नहीं होती है, तो उसके लिए कुछ छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं, छोटे छोटे से स्टेप्स हैं, तो उनको फॉलो करके आज हम फेस मसाज करते हैं। तो चले स्टार्ट करते हैं कि कौन कौन से पॉइंट्स हैं और कहाँ कहाँ हमने वो मसाज करना है, ताकि इससे हमारी जो स्किन है वो टाइट भी हो और ग्लोइंग भी हो। ठीक है, सबसे पहले आपने कोई सा भी ऑयल ले लेना है। पास है जी कोकोनट ऑयल, तो मैं कोकोनट ऑयल से यूज़ करूँगी। अगर आपके पास कोई सा भी ऑयल है कोकोनट ऑयल के अलावा, मतलब ऑलिव ऑयल या फिर कोई सा भी, उससे भी यूज़ कर सकते हैं, कोई स्पेसिफिक नहीं है कि यही वाला ही। अच्छा जी, फर्स्ट स्टेप क्या है जी? आपने सारा का सारा जो ऑयल है अपने हाथ पे ले लेना है। अगर कोकोनट ऑयल ले रहे हैं तो पहले अपने हाथों पे अच्छे से लगा लेना है। लगाने के बाद पूरे फेस पे एकदम से नहीं लगा लेना है, इस तरह से पहले मुंह अच्छे से धुलवाना चाहिए। ठीक है, कुछ भी लगाना हो मुंह पे, और लगाने के बाद अच्छे से आपने ड्राई कर लेना है, फिर आपने ये ऑयल लगा लेना। ठीक है, पहला आपका स्टेप ये है कि आपने पूरे फेस पे ऑयल लगा लेना है, थोड़ा ज़्यादा लगाना है, ताकि जब हम मसाज करें तो स्किन जो है ऑयली ऑयली हो और अच्छे से टाइटली हम मसाज कर सके, ये ना हो कि कम हो और ठीक से हो ना सके। ठीक है, पहला स्टेप ये हो गया। अब दूसरा स्टेप क्या करना है कि आपने इस तरह से अपने नकल्स बनाने हैं, और पहले हम अपने फोर हेड से स्टार्ट करेंगे। ये अपवर्ड डायरेक्शन में, थोड़ा जोर लगा के इन दो फिंगर से आपने इसको मसाज करना है, पहले इस साइड पे फिर इस साइड से। ठीक हो गया, आपको नजर आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा रेड, क्योंकि थोड़ा सा जोर लगा के करना पड़ रहा है। अब एक साथ हम इधर से भी, चले ये हो गया हमारा सेकंड स्टेप। फर्स्ट स्टेप हमारा था कि फुल फेस में हमने ऑयल लगा लेना है, सेकंड स्टेप था कि हमने अपने नकल्स की मदद से अपने फोर हेड पे अपवर्ड डायरेक्शन में इसको मसाज। अब बारी है जी नोज़ की। नोज़ के हमने इस तरह से नकल्स बनाने हैं, वन फिंगर और ऐसे, ये इस तरह से भी कर सकते हैं, इस तरह से भी कर सकते हैं। आपने काउंट करना है, लाइक ये इस तरह रख के ये, और ये 10 टाइम्स करना है। दरमियान में कुछ सेकंड्स का होल्ड दे देना है, लाइक 1 to 2 सेकंड्स का होल्ड दे देना है, और 10 टाइम्स करना है। ठीक है, चलें अब स्टेप की बारी है कि हम अपनी चीक्स का करेंगे। इसके लिए क्या करना है कि हमने इस तरह बनाना है, अपनी जॉ लाइन के ऊपर यहाँ पे करके हमने अपने हाथ को रखना है और अपनी चीक्स को ऊपर की तरफ पुल करना है। ठीक है, जब ये करेंगे तो हमने पुल करते हुए ऐसे कुछ सेकंड के लिए अपनी चीक्स को वहीं छोड़ देना है। ठीक है, होल्ड कर लेना है, ये भी हम 10 टाइम्स करेंगे और कुछ सेकंड के होल्ड के साथ। अब करेंगे जी हम अपनी जॉ लाइन का मसाज। ठीक है, इसमें हम थोड़ा सा साइड पोज में, मतलब अपना फेस को करेंगे, और इन टू फिंगर से इस तरह से फिंगर बनाई वी की शेप में, इसको ऐसे लेके जाना है। ठीक है, एक आपने ऊपर की तरफ और ये दूसरा हाथ नीचे की तरफ, ये भी 10 टाइम्स करना है और थोड़े से प्रेशर के साथ।
चीक्स नोज और हमने जॉ लाइन का मसाज कर लिया। अब बारी है जी लिप्स के अराउंड, जो यहाँ पे फाइन लाइंस वगैरह बन जाती हैं उनको हम किस तरह से टाइट कर सकते हैं। अब आपने लेनी है अपने रिंग फिंगर, मतलब मिडल फिंगर और रिंग फिंगर, इसकी मदद से आपने मसाज करना है इस तरह। थोड़े प्रेशर के साथ करना है तभी ज़्यादा अच्छा पहले इफेक्ट जो होगा। मसाज मैं करने लगी हूँ ये है जी डार्क सर्कल्स के लिए। मुझे भी काफ़ी डार्क सर्कल्स हैं, अगर किसी को भी हो तो वो कर सकता है। तो मोस्टली आपने ये क्या करना है कि ये रात को सोते हुए लाजमी करना है, बाकी स्टेप्स करें ना करें इसको स्पेसिफिक आपने करना है, ठीक है। इसे क्या करना है, थोड़ा सा यहाँ पर प्रेस करना है इस तरह से, पहले सर्कुलर मोशन में, ठीक है, क्लॉकवाइज, फिर एंटी क्लॉकवाइज, आईज के अराउंड, ये 10 टाइम्स विथ प्रेशर। प्रेशर आपने इसी फिंगर से इस तरह रखना है और इसी को ऐसे मूव करवाना है। अब एक दो स्टेप्स ही रह गए, ठीक है। अब क्या करना है कि फेस पे स्वेलिंग वगैरह हो जाती होती है अराउंड द लिप्स या फिर चिन के आसपास, ठीक है। पहली तो हमने ये वी शेप वाली कर लेनी है, उसके बाद क्या करना है, इस तरह से नकल्स बना के ये वाला, ठीक है। इस तरह से आपने मूव करना है 10 टाइम्स, 10 टाइम्स इधर करना है और 10 टाइम्स इस साइड पे। ओके जी, जो लास्ट स्टेप है वो है जी हमारी डबल चिन के बारे में, कि हम अपने डबल चिन को किस तरह से कम कर सकते हैं, ठीक है। और ये कुछ एक दो दिनों का काम नहीं है कि लाइक आप समझें कि आज किया है या कल करेंगे तो हमारे जो फेस है वो जी बहुत स्लिम स्मार्ट और मतलब थोड़ा टाइट होने शुरू हो जाएगा। थोड़ा टाइम लगता है बट आप रेगुलर करें 2 दिन बाद 3 दिन बाद तो काफ़ी आपको फर्क आएगा, ठीक है। तो ये है जी हमने उसके लिए जो करनी है मसाज डबल चिन को ख़त्म करने के लिए। ये देखिए मेरी अभी है यहाँ पे, नज़र आ रही होगी, मैं भी आप लोगों के साथ स्टार्ट करती हूँ ताकि मुझे भी फ़र्क आए, ठीक है। अब क्या करना है जी, अपने दो थंब ले लेने हैं, मतलब थंब की मदद से हमने करना है नेक से स्टार्ट करनी है यहाँ इस तरह से। जब नेक्स्ट को हम नेक्स्ट से स्टार्ट करेंगे तो जब हम अपनी जो चिन है वो ऊपर करेंगे तो ऑब्वियसली हमारी जो स्किन है वो थोड़ी सी टाइट होने शुरू हो जाएगी, लाइक इस तरह, जब हम इस तरह उठाएंगे, ठीक है। अब हमने यहाँ से स्टार्ट करनी है, यहाँ तक लेके जानी है और कुछ देर रोक देना है, ठीक है। ये नीचे लानी है, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, इसी तरह 10 दफा करना है, ठीक हो गया। तो ये थे कुछ फेस के मसाज के स्टेप्स। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो, अच्छी लगी हो, थोड़ी काम की लगी हो, लाइक के इससे आपको कुछ फ़ायदा हो सकता है तो ज़रूर लाइक सब्सक्राइब करें। और बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू जो लोग वीडियोस देखते हैं, लाइक करते हैं। तो अब मुझे दे इजाज़त, मिलते हैं अब बहुत ही अच्छी वीडियोस के साथ नेक्स्ट। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।